स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी टूल के बारे में आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही आज का मेरा ये वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप PyCharm जो कि एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, उसका यूज करते हुए और MySQL का यूज करते हुए, MySQL जो कि डेटाबेस के लिए हम यूज करते हैं, इन दोनों का यूज करते हुए हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर MySQL के थ्रू, और हमारे डेटा को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं MySQL डेटाबेस के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो उसी चीज से रिलेटेड ये मेरा ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्रिएट कमांड, शो कमांड, डिलीट कमांड और अपडेट कमांड का यूज करके बताऊंगा, क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, देखने के लिए या डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाला हूं वो है पाइथन, जो आईडी मैं यूज करने वाला हूं वो है PyCharm। आप किसी भी दूसरे आईडी का यूज कर सकते हैं, जुपिटर आईडी का यूज कर सकते हैं, गूगल कोलैब का यूज कर सकते हैं MySQL से कनेक्टिविटी करने के लिए या पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो मैं जो आईडी यूज कर रहा हूँ वो है PyCharm और मैं जो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ वो है MySQL। ठीक है दोस्तों, तो आपके सिस्टम में आपको MySQL और PyCharm इंस्टॉल करके रखना होगा, तभी आप ये चीज कर पाएंगे। मैंने मेरे सिस्टम के अंदर पाइथन और MySQL दोनों ही इंस्टॉल करे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली डेटाबेस के कनेक्टिविटी के बारे में ही बताने वाला हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है दोस्तों, तो जिनको डेटाबेस की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है वो वीडियो को रिफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MySQL आपको कैसे दिखेगा, और मैं इस वीडियो में आपको जो MySQL बताने वाला हूँ वो कमांड लाइन से बताने वाला हूँ। MySQL का यूज हम कमांड लाइन से इसलिए करते हैं और इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप MySQL को कमांड लाइन से यूज करेंगे तो आपकी जो डेटाबेस की जो कमांड्स है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डेटाबेस की कई सारी कमांड्स हैं जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखिए, मैं ऑल प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ से MySQL के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे मेरा MySQL सर्वर 5.7 इंस्टॉल है। अब मैंने कमांड लाइन क्लाइंट के ऊपर क्लिक करा तो देखिए ये इस तरह से आपके सिस्टम पे ओपन हो जाता है। अब क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जो विंडो है वो छोटी लगती है तो आप इसको बड़ी साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है कमांड लाइन क्लाइंट, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे आके आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट का सेक्शन आपको मिलेगा। फॉन्ट के सेक्शन में आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से 28 या 24 फॉन्ट जो भी आपको चाहिए आप ले लीजिए। और ये जो लेआउट है, लेआउट में जो आपका ये साइज है उसे आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया है 150 कर देते हैं, ऐसे 200 ज्यादा हो जाएगा, 150 एंड 150। ठीक है, ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए ये लार्ज स्क्रीन पे आपके पास आ गया है। ठीक है, फॉन्ट साइज भी इसका विजिबल है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी आपसे पासवर्ड पूछ रहा है डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, तो जब आपने MySQL को इंस्टॉल करा होगा तब आपने रूट का एक पासवर्ड सेट करा होगा। बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है उसका नाम रूट होता है। आप और भी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, पर जो बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो रूट होता है। तो रूट का आपने कुछ ना कुछ पासवर्ड सेट करा होगा। ठीक है, तो वो पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो ये मेरा MySQL जो है ये वर्क करने लग गया है कमांड लाइन। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू बता रहा हूँ कि MySQL को कैसे यूज करते हैं, जिससे कि जो क्वेरीज या जो कमांड आप यूज करते हैं MySQL के अंदर वो एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगी वो क्वेरी, आपको रटना नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सारी कमांड, सारी क्वेरीज को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली क्वेरी मैं आपको बताता हूँ, शो डेटा बेसिस। ठीक है, इस क्वेरी का यूज करके आप देख सकते हैं कि आपके MySQL के अंदर कितने डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे एक डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, बाकी डेटाबेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। नितिन डीवी नाम का जो डेटाबेस आप देख रहे हैं ये मैंने क्रिएट करा है, बाकी सारे जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं जब आप MySQL को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब जब आपने देख लिया कि आपके टेबल में कितने डेटाबेसेस हैं, इस कमांड का यूज ये है कि आप इससे पता कर सकते हैं कि आपके टेबल में कितने डेटाबेस हैं और किस डेटाबेस को आपको यूज करना है। यूज करने के लिए आपको कमांड यूज करनी है यूज डेटाबेस का नाम। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा यूज और डेटाबेस का नाम, आपको सेमी कॉलन लगा के एंटर करना है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है डेटाबेस चेंज, अब आप उस डेटाबेस के अंदर चले गए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है शो टेबल। ठीक है, तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपके डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख गया है कि आपके डेटाबेस के अंदर एक टेबल है। अब इस टेबल के अंदर कुछ डेटा है कि नहीं है ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम माई डिटेल।
ठीक है, जो हमारे टेबल का नाम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर करा। तो देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर एक डेटा अवेलेबल है, ठीक है, और इससे आपको टेबल के कॉलम्स भी पता पड़ जाएंगे कि इस टेबल के कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो नेम एंड मोबाइल आर द कॉलम्स ऑफ द टेबल एंड राम एंड द 999 इज द वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, ओके। तो यहाँ पे हमें टेबल का पता पड़ गया है। अब यहाँ पे और भी कई कमांड होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है अपडेट की कमांड। तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट की कमांड लिख के बता रहा हूँ, अपडेट माई डिटेल्स। अब आपको अपडेट की क्वेरी के अंदर एक ऐसी फील्ड लेनी रहती है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस वैल्यू को आप आइडेंटिफाई करते हैं उसको आपको सेट के साथ में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख रहे हैं सेट मोबाइल इक्वल्स टू 888 999 666 and 3, ओके, वेयर नेम इक्वल्स टू राम, ठीक है। ये मैंने मेरी क्वेरी लिख दी। यहाँ पे मैं मोबाइल की वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा हूँ किसके थ्रू, नाम के थ्रू। जिस भी पर्सन का जो वैल्यू है वो राम से मैच करेगा उसका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया क्वेरी, ओके, वन रो अफेक्टेड, रोज मैच, चेंज वन, वार्निंग जीरो। यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है और जो डेटा है वो चेंज हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे राम का जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अपडेट की क्वेरी से आपने क्या करा, राम का जो मोबाइल नंबर है वो आपने चेंज कर दिया। अब मैं आपको इंसर्ट की क्वेरी का यूज करके बताता हूँ, इंसर्ट, ठीक है, ये मैं इंसर्ट की क्वेरी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इतना लिख के मैंने एंटर प्रेस करा, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। तो यहाँ पे इंसर्ट की जो क्वेरी थी वो भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं वापस से सिलेक्ट की जो क्वेरी है उसको यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो डेटा हमारे टेबल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिलीट की क्वेरी कैसे यूज करते हैं वो बता देता हूँ, डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिलीट की कमांड लिख दी, डिलीट फ्रॉम माय डिटेल्स वेयर नेम इक्वल्स टू राम, जिसका भी नाम राम होगा उसकी डिटेल्स जो है वो टेबल से डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट की क्वेरी जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, जिस भी पर्सन का नाम राम होगा, जिस भी डेटा से ये क्वेरी मैच करेगी, उस डेटा को वो डिलीट कर देगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट के कमांड को यूज करके देखता हूँ कि डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, तो राम नाम का जो डेटा था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेरीज बता दी हैं डेटाबेस की, कमांड लाइन से कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये अभी हम डायरेक्टली MySQL के अंदर वर्क कर रहे थे, अब हम पाइथन का यूज करके इस डेटाबेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे इन कमांड्स के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो ये मेरा PyCharm का इंटरफेस है। बाय डिफॉल्ट ये जो इंटरफेस आता है वो ब्लैक कलर का आता है, ब्लैक एंड ग्रेश कलर का आता है। आप इसे व्हाइट कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल में जाके आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। सेटिंग्स का यूज करके इसके जो फॉन्ट है, इसकी जो कलर स्कीम है, उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज आपको करनी है, ये एडिटर के अंदर आपको जाके ये चेंज करने के साथ साथ आपको एक चीज और कर लेनी है। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर आपको डायरेक्टली ओपन में मिल जाता है, कई बार ये आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी मिलता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है MySQL डैश कनेक्टर, ठीक है। ये देखिए, ये MySQL का कनेक्टर आपको मिल जाएगा। मैंने अभी ये MySQL का कनेक्टर इंस्टॉल करा हुआ है, इसलिए ये ब्लू कलर का दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पैकेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद ये आपके PyCharm के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टिविटी करने के लिए, जिस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं उसका कनेक्टर आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे MySQL का कनेक्टर इस तरह से इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अप्लाई करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका MySQL कनेक्टर यहाँ पे दिखने लग जाएगा। आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना एक पाइथन का नया प्रोग्राम क्रिएट करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और ये कमांड्स जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये आपको यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से ही कमांड सारी लिख के रखी हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको एग्जैक्ट वही चीजें बता पाऊँ जो मुझे बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करा है MySQL के कनेक्टर को, जिसे मैंने इंस्टॉल करा है MySQL से कनेक्टिविटी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है।
MyDB नाम का, ये आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है mysql.connected.connect, कनेक्ट करने के लिए मैंने कमांड लिखी है। होस्ट में आपको लोकल होस्ट ही देना है, यूजर में आप रूट दे सकते हैं जो आपका बाय डिफॉल्ट यूजर होता है, और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड सेट करा है वो आप दे सकते हैं। मैंने 12345 सेट करा हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक नया वेरिएबल बनाना है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बनाना है एक तरीके से, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो mydb.cursor फंक्शन को ये कॉल कर रहा है, mydb.cursor फंक्शन को ये कॉल कर रहा है, ठीक है। अब जब आपने ये करा, ये आपका एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एग्जीक्यूट कमांड का यूज करा है, एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करा है कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने कौन सी कमांड यहाँ पे यूज करी, डेटाबेस को क्रिएट करने की। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कैसे कमांड आप यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, और मैं डेटाबेस का नाम चेंज कर दे रहा हूँ, माय न्यू डीबी, ठीक है। ये मैंने नया नाम रख दिया डेटाबेस का, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे करा माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्रिएट वाली क्वेरी से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और शो डेटाबेस वाली क्वेरी से आप डेटाबेस को देख सकते हैं कि आपके डेटाबेस कितने हो गए हैं अब MySQL के अंदर, ठीक है। क्योंकि माय न्यू डीबी आपने देखा था, अभी चेक करा था तो आपके पास नहीं था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज करी थी शो डेटाबेस की क्वेरी, देखिए यहाँ पे अभी भी माय न्यू डीबी नहीं है, ठीक है। अब मैं जब वो क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तब यहाँ पे माय न्यू डीबी दिखने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पाइथन के इंटरफेस में भी आपको दिखा दूंगा कि डेटाबेस कैसे दिखाई देता है, और MySQL के इंटरफेस में भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैंने फॉर लूप के थ्रू जितने भी डेटाबेस प्रेजेंट होंगे उन सभी को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ये फॉर लूप का यूज करा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इतना लिखने के बाद, ठीक है, बाकी सारी चीजों को मैंने कमेंटेड करा हुआ है जो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रन के ऊपर क्लिक करेंगे, रन, ठीक है। मेरे डेटाबेस का नाम है माय न्यू डीबी 3। अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूंगा आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया माय न्यू डीबी 3, ठीक है। और ये MySQL के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अभी जो मैंने क्वेरी चलाई थी वहां पे माय न्यू डीबी 3 नहीं था, अभी ये देखिए मैं वापस से शो डेटाबेस की क्वेरी रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए माय न्यू डीबी आपको दिख जाएगा, माय न्यू डीबी 3 एंड माय न्यू डीबी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं अभी पुरानी वाली कमांड्स को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और जो नई कमांड मेरे पास है उन्हें मैं यूज करूंगा, ठीक है। देखिए अब आपका इम्पोर्ट वाला जो कमांड है वो वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ फर्स्ट जो लाइन है इम्पोर्ट वाली वो वैसे की वैसी रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस से MyDB एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि अब आपका डेटाबेस आपने बना लिया है, तो अब आपको डेटाबेस सिलेक्ट करके चलना है, उस डेटाबेस को यूज करके उस डेटाबेस के अंदर काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माय न्यू डीबी 3, ठीक है। अभी मैं आपको MySQL में दिखा देता हूँ कि मेरे माय न्यू डीबी 3 के अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैंने यूज करा यहाँ पे शो टेबल्स करा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, एम्प्टी, ठीक है। अभी माय न्यू डीबी 3 के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। अब मैं यहाँ से जब टेबल क्रिएट करने की कमांड को यूज करूंगा तब वहां पे नई टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल की कमांड को यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस कमांड को यूज करा है, यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्रिएट टेबल की कमांड का यूज कर लिया है। यहाँ पे मैंने यूजर नेम और मोबाइल की दो फील्ड रखी हुई है जिसके थ्रू आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कुछ एरर दी है जो कि माई डीबी कमिट से रिलेटेड है, उसे मैंने डिसेबल कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 1, ठीक है। शायद ये टेबल वहां पे बन गई होगी, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने शो टेबल्स करा तो देखिए ये टेबल वहां पे क्रिएट हो गई है, माय न्यू टेबल, ठीक है। तो इस क्रिएट कमांड से जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इंसर्ट की कमांड, टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की कमांड को मॉडिफाई कर दिया है, और यहाँ पे इंसर्ट की कमांड के साथ में मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ब्रैकेट में मैंने दोनों कॉलम के नाम लिखे हैं, और यहाँ पे लिखा है वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर मैंने परसेंट एस लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर मैंने दो दो वैल्यू पास करी हुई है,
और इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट मैनी का एक फंक्शन होता है, कमांड होती है, उसके थ्रू यहाँ पे मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है, क्वेरी के ऑब्जेक्ट को और डेटा के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने माई डीबी कमिट का यूज करा है। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डेटा है ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, रन करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी जो हमारे टेबल है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माई न्यू टेबल की क्वेरी आपको रन करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी ये टेबल खाली है, मैं यहाँ से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर की कमांड को डिसेबल नहीं करा था, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्रिएट वाली को डिसेबल नहीं करा था। ठीक है, एक बार वापस जाके देखते हैं, शायद इंसर्ट कर दी हो। ठीक है, अभी नहीं इंसर्ट करी है, देखिए मैं वापस से रन करता हूँ। मैंने क्रिएट की कमांड को कमेंटेड नहीं करा था, इसलिए एरर आई थी। देखिए देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, आपका जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ पाइथन से, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ MySQL से। ठीक है, तो ये देखिए पाइथन से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सिलेक्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा आया है वो मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फेच ऑल का यूज करा है, सारे डेटा को फेच कर लेगा वो और माय रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। और फिर माय रिजल्ट को मैंने फॉर लूप के थ्रू यूज करके प्रिंट कराया है। ठीक है, हर एक रो को मैंने प्रिंट कराया है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इस डेटा को इंसर्ट कर दिया है तो मैं इंसर्ट वाली क्वेरीज को कमेंटेड कर रहा हूँ और मैंने सिलेक्ट की क्वेरी को रन कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे ही रन करा यहाँ पे टेबल का नाम गलत दे दिया है, माय न्यू टेबल। ठीक है, जैसे ही मैंने ये करा और वापस से इसे रन करा तो ये देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा आ गया है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से रन करके बता दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये देखिए टेबल के अंदर डेटा आ गया है। ठीक है, तो ये मेरी सिलेक्ट की क्वेरी जो है वो रन कर चुकी है। ठीक है, अब सिलेक्ट की क्वेरी को मैं कमेंटेड कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट का आपको इस तरह से यूज करना है, आप कमेंट का यूज भी करना सीख जाएंगे इस प्रोग्राम में। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेटा को अपडेट करना है, तो मैं अब आपको अपडेट की क्वेरी चला के बता रहा हूँ। ठीक है, अपडेट की क्वेरी के अंदर भी सेम हम वही करेंगे, हम क्वेरी का यूज करेंगे कर्सर के अंदर। ठीक है, अपडेट जैसे मैंने आपको पहले करके बताया था वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है, बस मुझे टेबल का नाम सही करना है, अगर मैं वो नहीं करूंगा तो फिर से एरर आ जाएगी। मैं यहाँ पे टेबल का नाम सही कर दे रहा हूँ, माय न्यू टेबल। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए मेरी अपडेट की क्वेरी रेडी हो गई है। नितिन नाम के पर्सन का मोबाइल नंबर मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, अपडेट की क्वेरी से, और मैं ऐसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके यहीं पे हाथों हाथ आपको शो करके भी बता दूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसे रन कर दिया है, यहाँ पे फिर से कुछ एरर्स आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉलम था वो यूजर नेम था, नेम नहीं था, तो इसे मैंने यूजर नेम कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसे वापस से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहला मोबाइल नंबर 9999 था, अब मोबाइल नंबर जो हो गया वो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको रन करके बता दे रहा हूँ, ये देखिए मोबाइल नंबर चेंज हो गया, पहले मोबाइल नंबर ये था, अब अपडेट की क्वेरी चलने के बाद मोबाइल नंबर चेंज हो गया। ठीक है, अब अपडेट की क्वेरी हमने यूज कर ली है, अब मैं आपको डिलीट की क्वेरी का यूज करके बताता हूँ पाइथन के अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे वापस कमेंट कर दिया है और डिलीट की क्वेरी का जो कोड है मैंने उसे अनकमेंट कर दिया है। ठीक है, ये मेरा कोड जो है वो रेडी है, बस मुझे दो तीन चीजें यहाँ पे करनी है। माय न्यू टेबल, आपको टेबल का नाम हमेशा ध्यान रखना है, कॉलम्स के नाम भी आपको प्रॉपरली यूज करने हैं, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका जो कोड है वो एरर देगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे अभी रन करके बता दे रहा हूँ, अभी मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करी है, पाइथन के अंदर मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करी है। ठीक है, अभी मैं आपको रन करके बताता हूँ, देखिए डेटाबेस के अंदर नितिन नाम का जो आइटम है वो अभी मौजूद है। ठीक है, अभी देखिए मैं अब क्वेरी को रन करूंगा तो यहाँ से वो इस रो को डिलीट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने एरर मारी है, माय मैंने टेबल का नाम वापस से पुराना यूज कर लिया एक जगह पे। चलिए मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ से वो डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पे MySQL पे भी रन करके बता देता हूँ, तो यहाँ से भी वो देखिए डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों सक्सेसफुली हमने क्रिएट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, इन चारों क्वेरीज को देख लिया है, कैसे रीड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इन चारों क्वेरीज को मैंने देख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो
अगर आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई हो MySQL की, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए जिन्हें डेटाबेस की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।